हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के हाथरस जंक्शन कस्बे के ओवरब्रिज पर राजस्थान डिपो की एक रोडवेज बस ने ओवरब्रिज पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बस में बैठी कई सवारियां मामूली रूप से घायल हो गई। यह बस हाथरस के सिकंदर राव की ओर जा रही थी। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और ओवरब्रिज से नीचे सर्विस लेन की ओर लटक गया। दुर्घटना के बाद बस चालक सवारियों को लेकर वहां से भाग गया। दुर्घटना के बाद मौके पर राहगीरों व स्थानीय लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई और काफी देर तक ओवरब्रिज पर जाम लगा रहा। सूचना पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बाद में पुलिस ने जाम खुलवाया और यातायात सुचारू कराया।